हमारा तबीयत खराब रहा थी, मूड हमारा झंझनाट रहा था, बिल्कुल ट्रेन की डब्बा जैसी ना, वैसे फड़फड़ाती जैसे तालाब में मछली निकाल दे। गद्दा सरसों का तेल गर्म करके अपने सिर में लगा लेना, फिर देखना आपका दर्द कैसे दो मिनट में दम चक्कर हो जाता है। अच्छा बिटिया, तुम्हें काम था, बेटा बैठा धूप में बैठा, और तुम्हें नहीं है मतलब कोई चाय बना ला चीनी के दर्द ऐसे ना करा कर हफ्ता में कम से कम गरीबन को दवा तो मिल जा करी मुफत में। नाना पूर्वा कहते हैं इस जमाने में यहाँ पर आम की बहुत उमराई है, जब भी मौसम आता तो शाखाओं पर झूले लटक जाते हैं, बच्चे औरतें लड़कियां सब जमकर झूला झूलती हैं। इस कस्बे से 10 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस हॉल जहाँ पर बंदूकें बनती हैं और सरहदों पर इस्तेमाल की जाती है। मेरा नाम है पूजा त्रिवेदी, मेरे पिताजी इसी फैक्ट्री में इंजीनियर हैं, उनका नाम है श्री दाता राम त्रिवेदी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरी 21वीं वर्षगांठ पिताजी कमरे में, उनके हाथ में एक टोकरी थी, टोकरी उन्होंने मेरी ओर बढ़ाई और कहा, बेटे आज तुम 21 साल की हो गई, तभी कमरे पर अम्मा दिखने जा रहे हैं। पर इस साल हर साल की तरह उनके हाथों में आरती की थाली नहीं थी, उनकी आंखें नम थी। मैंने पूछा, ये क्या है बाबा? पिताजी चुपचाप बैठे। बेटी बोले, हमारी कोई औलाद पिछली एक कोस की, हम और तुम्हारी अम्मा दोनों खाने के बाद खेलने के लिए पटरी से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी, छोटी सी टोकरी में एक नन्ही सी जा, हम तुम्हें उठाकर घर ले आए। इक्कीस साल की जिंदगी एक लंबी फिल्म की तरह बिना किसी इंटरवल के मेरी नजरों के सामने दौड़ गई। बाबा ने मुझे गले से लगाया और कहा, बेटे आज तुम 21 साल की हो गई, बालिग हो गई, मैंने सोचा तुम्हें बता देना ज्यादा अच्छा होगा। माँ की आंखों की नमी आंसू बनकर बहने लगी, क्या हूँ कौन हूं मैं, किसकी औलाद हूं, क्यों छोड़ गए मुझे पटरी पर? वो एक के बाद एक सवाल हथौड़े की तरह मेरे सिर पर वार कर रहे थे, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। तभी कमरे के दरवाजे से मां ने कहा, बेटिया तू हमारी बेटी, हमारी मम्मी। और मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि अम्मा और बाबा ने मुझे घर दिया, प्यार दिया, अपना बन दिया और मैं सवाल कर बैठी। लेकिन उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं,
क्यों नहीं बता रहा मुझे? अब तुझे पत्नी से उठाकर लाए थे ताकि वहां पर छोड़कर आप अपने शहर में रात को कभी भी निकल जाइए, किसी ना किसी पटरी पर कोई ना कोई टोकरी जरूर मिलेगी नन्ही सी जान के साथ।